हाय एवरीवन, पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन, टैनिंग और डलनेस को लेके प्रोडक्ट्स के बारे में आपके बहुत सारे सवाल आते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही एक प्रोडक्ट के बारे में बताने वाली हूँ। ये है डीमेलान क्रीम। डीमेलान एक मेडिकेटेड क्रीम है जो अनइवन स्किन टोन और पिगमेंटेशन और डलनेस पे काम करती है। इस वीडियो में मैं आपको वो सब समझाऊंगी कि किस तरीके से डीमेलान काम करती है और क्यों इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। और इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि मैं चाहती हूँ कि आप सही प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और वो ओवर द काउंटर मेडिकेशंस जो अवेलेबल हैं, जिनमें अधिकतर मेडिकेशंस में स्टेरॉइड्स होते हैं या हाइड्रोक्विनोन होता है और जो लगा के आपकी स्किन सेंसिटिव हो सकती है, आपको एलर्जीज हो सकती हैं और जिन्हें लंबे समय तक लगाना सेफ़ नहीं है, इनसे स्किन ड्राई हो सकती है और आपकी स्किन पतली हो सकती है, आपको इनसे फेशियल हेयर हो सकते हैं। तो बजाय कि आप OTC मेडिकेशंस का इस्तेमाल करें जिनमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होंगे जिनके बारे में आपको पता नहीं होगा, तो मैं चाहती हूँ कि आप सही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और उसे किस तरीके से आप इस्तेमाल करें ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं डीमेलान क्रीम के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। इसमें 10% ग्लाइकोलिक एसिड है, 2% कोजिक एसिड और 5% आर्ब्यूटिन है। ग्लाइकोलिक एसिड एक बहुत अच्छा एक्सफोलिएटिंग एजेंट है। ग्लाइकोलिक एसिड शुगर से बनता है, ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, ये बहुत सेफ है स्किन के लिए और अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। तो ग्लाइकोलिक एसिड हमारे डेड स्किन सेल्स को एक्सफोलिएट करता है और एक्सफोलिएशन की वजह से आपके पिगमेंटेड, डल, डैमेज स्किन हटेगी और नीचे से फ्रेश रिजुविनेटेड स्किन आपको नज़र आएगी। ये जो फ्रेश स्किन होगी ये ज़्यादा सॉफ्ट होगी और इस स्किन में पिगमेंटेशन नहीं होगी, तो जिसकी वजह से ग्लाइकोलिक एसिड लगाने से आपको चेहरे पे ग्लो नज़र आएगा। ग्लाइकोलिक एसिड कोलाजन प्रोडक्शन भी करती है, तो इसे लगाने से आपको धीरे धीरे अपनी स्किन के टेक्सचर में भी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। सो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है कोजिक एसिड। कोजिक एसिड फंगस से बनता है या राइस की फर्मेंटेशन से बनता है और ये बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है पिगमेंटेशन, डलनेस के लिए, लेकिन अकेले ये उतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं दिखाता, तो ग्लाइकोलिक एसिड के साथ कोजिक एसिड का रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो जाता है। कोजिक एसिड की एक और ख़ास बात है, वो ये कि पिगमेंटेशन कम करने के अलावा इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, सन प्रोटेक्शन प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो ये ओवरऑल एक बहुत अच्छा इन्ग्रीडियंट है डलनेस के लिए और अनइवन स्किन टोन के लिए। और थर्ड इंग्रेडिएंट है आर्ब्यूटिन। आर्ब्यूटिन बियरबेरी प्लांट से बनता है और ये हाइड्रोक्विनोन का बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि हाइड्रोक्विनोन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो लंबे समय तक हम उसे नहीं लगा सकते। आर्ब्यूटिन क्योंकि प्लांट एक्सट्रैक्ट है तो ये सेफ है और आर्ब्यूटिन काम करता है टायरोसिनेज एंजाइम पर। ये वो एंजाइम है जो मेलानिन पिगमेंट बनाता है, तो जब आर्ब्यूटिन क्योंकि टायरोसिनेज एंजाइम को ब्लॉक कर देता है तो ये धीरे धीरे मेलानिन की प्रोडक्शन को कम करता है और इसी वजह से आर्ब्यूटिन इस्तेमाल करने पर आपको पैचीनेस और डलनेस कम लगेगी। तो डीमेलान के इंग्रेडिएंट्स तो मैंने आपको समझा दिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस क्रीम को आप कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करें जिससे आपको जल्दी रिजल्ट्स मिले और आपको साइड इफ़ेक्ट्स ना हों। और उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है दादू मेडिकल सेंटर। तो डीमेलान क्रीम लगाने के लिए जैसे मैं सब पेशेंट्स को बताती हूँ, आप बिल्कुल आधा या एक मटर के दाना जितना क्रीम लीजिए और उसे अपनी स्किन टाइप के हिसाब से सही मॉइस्चराइज़र में मिक्स कीजिए और फिर मिक्स करके आप इसे फुल फेस पे रात को लगाइए। याद रखिए कि ग्लाइकोलिक एसिड जैसे एक्सफोलिएटिंग क्रीम्स आप दिन में ना लगाएं और रात को लगा के इसे अपने फेस पे एब्जॉर्ब करके फिर आप इसे ओवरनाइट छोड़ सकते हैं।
लगाते समय ये ध्यान रखें, जैसा कि मैंने आपको पिछली एडाप्लीन की वीडियो में भी बताया था कि आप इसे अंडर आई एरिया में, नोज़ के पास और माउथ के एंगल्स में, कॉर्नर्स में ना लगाएं, क्योंकि ये सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं जहां पर कोई भी स्ट्रॉन्ग क्रीम लगाने से आपको एलर्जी, इरिटेशन हो सकती है। और जब आप इस क्रीम को इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप मॉइस्चराइज़र में डाइल्यूट करके लगाएं, या फिर आप मॉइस्चराइज़र पहले लगा के उसके बाद आप ये क्रीम अपने फेस पे लगाएं। दूसरी चीज़ ये कि सुबह सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, और ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि अगर आप इंडोर्स हैं, आप घर से बाहर नहीं निकल रहे, तो आपको सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल सनस्क्रीन से ज़्यादा अच्छा, केमिकल सनस्क्रीन से बेहतर ये रहेगा कि आप फिज़िकल सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, ताकि क्योंकि उसकी ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छी होती है। और एक सही सनस्क्रीन SPF 30+ और जिसकी PA रेटिंग अच्छी हो, 3+ हो, उसे इस्तेमाल करें। और अगर आपकी स्किन ड्राई है, सेंसिटिव है, तो आप इस क्रीम को इस्तेमाल ना करें। और कोई भी क्रीम अपने चेहरे पर लगाने से पहले मैं यही सलाह देती हूँ कि आप एक बार अपनी स्किन को अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से एग्ज़ामिन करवा लें, और नहीं तो उस क्रीम का कम से कम पैच टेस्ट करें। तो क्रीम को आप कान के पीछे के हिस्से में या नेक पर लगा के पैच टेस्ट करके, और उसके बाद ही उसे अपने फेस पे लगाना शुरू करें। अगर क्रीम लगाने के बाद भी आपको कुछ ड्राइनेस, इरिटेशन, रेडनेस या बर्निंग सेंसेशन हो रही है, तो उसे तुरंत डिसकंटिन्यू करें और अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाएं, और अपने नियरेस्ट क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड डर्मेटोलॉजिस्ट को तुरंत दिखाएं। अब कुछ और बातें जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप डीमेलान क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि डीमेलान का असर आने में कुछ समय लगेगा, तो आप 5-7 दिन में ये एक्सपेक्ट ना करें कि आपको अपने कॉम्प्लेक्शन में, डलनेस में फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो इसमें कम से कम 3 हफ्ते या महीना लग सकता है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं हमेशा सबको समझाती हूँ कि और एक महीने में आपको अच्छा असर दिख जाएगा, तो याद रखें कि कोई भी क्रीम, चाहे डीमेलान हो या फिर कोई भी और स्किन लाइटनिंग क्रीम हो, तो आप उसका लंबे समय तक इस्तेमाल ना करें। तो जैसा कि मैं अपनी क्लिनिक में बताती हूँ, वो ये कि 2 महीने के बाद जब हमें डिज़ायर्ड रिज़ल्ट मिल जाएगा, तो उसके बाद आप इस क्रीम को अल्टरनेट नाइट लगाएं, और 2 हफ्ते तक इसको अल्टरनेट नाइट लगा के उसके बाद आप इसको ट्वाइस अ वीक लगा के फिर इसे डिसकंटिन्यू कर दें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप कोई पिंपल की क्रीम या ऐसी स्किन लाइटनिंग क्रीम लगा रहे हैं जिसमें ग्लाइकोलिक एसिड जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं या एडाप्लिन जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स आपकी स्किन को ड्राई करते हैं, डेड सेल्स को एक्सफोलिएट करते हैं, और उसी तरीके से ये काम करते हैं स्किन पे। तो हमेशा ये क्रीम्स लगाते समय आप ध्यान रखें कि अगर आप कोई पार्लर एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसके 4 या 5 दिन पहले आप अपनी नाइट क्रीम्स डिसकंटिन्यू करें, और फिर पार्लर एक्टिविटी के बाद जैसे कि थ्रेडिंग, वैक्सिंग, ब्लीचिंग या स्क्रबिंग के बाद आप 4 या 5 दिन बाद ही अपनी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करके फिर इन क्रीम्स को दोबारा लगाना शुरू करें। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं इस वीडियो के थ्रू आप सब तक पहुंचाना चाहती हूं, वो ये कि अगर किसी भी ऐड से या फेयरनेस क्रीम से आपको ये प्रॉमिस किया जा रहा है कि इससे आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर हो जाएगा और परमानेंटली चेंज हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। तो डीमेलान क्रीम के बारे में भी मैं यही बताना चाहती हूँ कि ये क्रीम आपके अनइवन स्किन टोन, पिगमेंटेशन पे बहुत अच्छा काम करेगी, लेकिन ये आपके कॉम्प्लेक्शन को हमेशा के लिए चेंज नहीं कर सकती। तो अब मैं आपको वो इंडिकेशंस भी बताती हूँ कि आप कहाँ कहाँ पर डीमेलान क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके चेहरे पर पिम्पल के ब्राउन निशान हैं, या आपको अनइवन स्किन टोन, पैचीनेस, डलनेस है, तो आप ये क्रीम आसानी से लगा सकते हैं। इसे लगाने से आपको चेहरे पे ग्लो नज़र आएगा, पिगमेंटेशन, पैचीनेस, डलनेस, अनइवन स्किन टोन, ये सब ख़त्म होगी। अगर आपको फ्रेकल्स हैं और आप फ्रेकल्स का ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, तो रिजल्ट्स को सस्टेन करने के लिए, या मलाज़मा है, मलाज़मा का ट्रीटमेंट आप करवा चुके हैं, तो उसके रिजल्ट्स को सस्टेन करने के लिए,
किसी भी तरह की हाइपर पिगमेंटेशन को कम करने के लिए आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आप पूछेंगे कि क्या डीमेलान डिसकंटिन्यू करने के बाद हमारी पिगमेंटेशन फिर से वापस आ जाएगी? तो देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है, डलनेस है, अनइवन स्किन टोन है, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अंडरलाइंग इश्यूज़ जो आपके अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है तो डीमेलान क्रीम से आप अच्छा रिजल्ट देखेंगे, लेकिन अंडरलाइंग इश्यूज़ को रिजॉल्व करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कई बार विटामिन की कमी से, विटामिन डी, विटामिन B12 या आयरन की कमी से पिगमेंटेशन होती है। कई बार हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होता है जिसकी वजह से हमें पिगमेंटेशन होती है। तो अगर आपकी नींद पूरी ना हो, अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल हो, अगर आपकी डाइट हेल्दी ना हो, अगर आपका सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो या अल्कोहल स्मोकिंग बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे में आपकी स्किन बहुत टायर्ड, डल, फटीग लगेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने लाइफस्टाइल को ठीक करें और अपने विटामिन सप्लीमेंट्स लें और अपने ब्लड लेवल्स चेक कराएं। काफ़ी बार थायराइड होने से भी पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो अपने अंडरलाइंग इश्यूज़ को रिजॉल्व करें। और जब आप 3 महीने में डीमेलान क्रीम डिसकंटिन्यू कर दें, तो उसके बाद भी याद रखें कि सनस्क्रीन, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, हमेशा इस्तेमाल करना है, सही सनस्क्रीन लगाना है। दिन में अगर आप घर में हैं तो भी आपको सनस्क्रीन लगाना है, अगर आप इनडोर्स हैं लेकिन आप लैपटॉप पर काम कर रहे हैं तो उसकी रेस से भी आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। और सनस्क्रीन के अलावा मॉइस्चराइज़र सही लगाएं, सही फेस वॉश का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपनी डाइट में लें, अलग अलग रंगों के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में वो अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिससे आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा और आपकी स्किन नेचुरली हेल्दी और ग्लोइंग रहेगी। और उसके बाद डीमेलान डिसकंटिन्यू करने के बाद अगर आप कुछ लगाना चाहते हैं तो आप एक माइल्ड सिरम जैसे विटामिन सी सिरम लगा सकते हैं रिजल्ट्स को सस्टेन करने के लिए, और कुछ होम रेमेडीज़ कर सकते हैं जिससे आपको अपने चेहरे पे अच्छा ग्लो, हमेशा हेल्दी ग्लो हमेशा नज़र आता रहेगा। हमारी कंट्री में कॉम्प्लेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन हमेशा याद रखें कि असली ब्यूटी हमारा कॉन्फिडेंस है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप बहुतों के दिल बहुत आसानी से जीत सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है दादू मेडिकल सेंटर, और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके।